क्वेश्चन नंबर 2112। माननीय राजस्व मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2112 सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय श्री कुलदीप सिंह राठौर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी तफसील से इन्फॉर्मेशन रखी है, जिसमें ये सूचना दी गई है कि केंद्र सरकार से फरवरी और मार्च के महीने में जो है इस मामले को उठाया गया, और अभी तक केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ से ज़्यादा सेब की आर्थ की, और आज सेब की आर्थ की बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। लगातार लागत बढ़ रही और मुनाफा कम हो रहा है। हमने पिछले सत्र में भी मांग की थी कि आयात शुल्क जो है वो 50 से 100% होना चाहिए था, और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वायदा किया था चुनाव से पूर्व कि 50 से हम इसको 100% करें, लेकिन अफसोस है कि ऐसा हुआ नहीं। अभी जब वो अमेरिका के दौरे पे गए थे, जब वापस आए तो 50 से 30% कर दिए, जिस कारण हमारी जो पूरी सेब की मार्केट है वो बिल्कुल स्लैश हो गई। तो मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस मामले को जो है फिर से केंद्र सरकार के समक्ष उठाए, क्योंकि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में उदासीन नजर आ रही है। और अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी चिंता और भी है कि अफगानिस्तान के रास्ते जो है ईरान और तुर्की का सेब जो है हमारे देश में आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा समझौता है, इसलिए शुल्क नहीं लगता, और इस कारण जो बाहर से सेब आ रहा है वो सस्ता होता है, और हमारी जो पूरी सेब की अर्थव्यवस्था है उससे तहस नहस हो रही। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो मेरा जहां माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इस मामले को फिर से उठाएं, और हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि क्योंकि ये राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की आर्थिकी का सवाल है, कि वो भी इस मामले को जो है केंद्र सरकार के जो समक्ष उठाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय। हाँ, जयराम जी। चलिए, माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही फरमाया, एप्पल जो है हिमाचल की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा साधन है, और करीब 5,000 करोड़ का टोटल कारोबार सेब के जरिए होता है। ये अलग बात है जब जब चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी हिमाचल में एक स्थान पे नहीं, अनेकों स्थान पे, सुजानपुर में, सोलन में, शिमला में यह आश्वासन देके गए कि सेब का जो आयात शुल्क है उसको जो है 100% करेंगे, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि जो एप्पल कंसंट्रेट है उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में 5% डालने का अनिवार्य रूप से कानून बनाएंगे। परंतु ये सब जुमले साबित हुए, आज की तारीख में उल्टा हो गया। जहाँ 75% टैक्स लग रहा था उसको मोदी सरकार ने 50% कर दिया, और जब बाइडेन साहब आए थे यूएस के प्रेसिडेंट G20 में, उस समय उनको आश्वासन दे दिया उसको और 20% करेंगे। आज हालात ये हैं कि सेब जो है हिमाचल प्रदेश में कोई हम 5,00,000 मैट्रिक टन तैयार कर रहे हैं, तो हमारा पड़ोसी राज्य जो है J&K में कोई 21,00,000 टन है, और जो आयात हो रहा है वो हिमाचल के बराबर 5,00,000 टन जो है विदेशों से हो रहा है। 32 कंट्रीज से सेब का जो है आयात किया जा रहा है। हमने केंद्र सरकार को जो है कई बार लिखा, मैंने स्वयं खुद जो है चिट्ठी लिखी, और उसके बाद में हमने जो है दोबारा विभाग के तरफ से भी लिखा, और बजट से पहले भी हमने जो है लिख के भेजा कि बजट में इन बातों को ध्यान में रखा जाए, और जो हमने सिफारिश की है केंद्र सरकार से, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा माननीय सदन को कि सेब के आयात को डिस्करेज करने तथा देश एवं प्रदेश के सेब उद्योग को संरक्षित करने के लिए सेब के आयात शुल्क को वर्तमान में 50% से बढ़ाकर 100% किया जाए, जो मोदी जी ने खुद यहाँ पर वादा करके गए हिमाचल में। फिर इसके साथ में हमने ये कहा प्रदेश में सेब उत्पादन अवधि यानी जुलाई से नवंबर माह के दौरान विश्व व्यापार संगठन
व मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब के आयात को प्रतिबंधित किया जाए ताकि प्रदेश के बागवानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन व मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध सीमा लगाई जाए ताकि बाजार में सेब की घरेलू बहुतायत से बचा जा सके तथा सेब उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने को पर्याप्त अवसर मिल सके। चौथा, फलों में कीटनाशकों के कुछ अविशिष्ट प्रभाव की संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयातित फलों में भारतीय कानून के तहत अवशेषों की जांच करने बारे, और आखिर में पांच में हमने ये भी सिफारिश किया था कि देश में ईरान से अफगानिस्तान के मार्ग से मुक्त व्यापार समझौते के तहत प्रवेश करने वाले सेब के फलों अनाधिकृत व्यापार से बचने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने बारे, क्योंकि अफगानिस्तान से फ्री वो है तो वहाँ से जो है ईरान का सेब भी आ रहा है, तो करीब करीब 50,000 टन से ज़्यादा मेट्रिक टन जो है सेब वहाँ से आ रहा है। तो हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु शुल्क लगाने का अधिकार तो केंद्र सरकार को है। अब हम केंद्र सरकार से बार बार निवेदन करने के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं जो है इस बात को मानने के बावजूद हिमाचल के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, तो हम अभी लाचार हैं, फिर भी हम प्रयास जारी रखेंगे। पर इनसे विनती करने का भी फायदा नहीं है, ये खुद अपने जो है सहायता नहीं कर सके, हमारी क्या सहायता करेंगे।